परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर देव जी करुणा में नाम से आए हुए थे। जैसे सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, कुछ दिन अतिथि रूप में यानी 100-150-200 वर्ष रहकर चले जाते हैं, उस युग अनुसार एवरेज पीरियड घटता बढ़ता रहता है। और सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, और कलयुग में वही परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर नाम से आए थे। कबीर नाम से और धानक जुलाहे की भूमिका बनारस में करके सहसरी आए थे, सहसरी चले गए थे। ऐसे ही करुणा में नाम से द्वापर में परमात्मा आए हुए थे, और उस समय भी परमेश्वर यही अमृत ज्ञान प्रचार किया करते थे, जो वाणी आज हमें उपलब्ध है। उसमें बहुत ही कम पुण्यात्माओं, इक्का दुक्की पुण्यात्माओं ने परमात्मा कबीर देव जी के इस ज्ञान को स्वीकारा था। उनमें से एक वाल्मीकि जाति में एक सुदर्शन नाम के हंस थे, जो परमात्मा कबीर जी करुणा में जी के शिष्य थे। वो इस ज्ञान से परिचित थे और सत साधना करते थे। अब भीम जो पांचों पांडवों में से एक था, वो गया सुदर्शन जी के पास जो करुणामय जी के शिष्य थे। उनसे प्रार्थना की कि आप जी हमारे यज्ञ में आना, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई भीम हूं, आपको आमंत्रित करने आया हूं। तब सुदर्शन जी ने ज्ञान आधार से कहा कि भीमसेन, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो भी पाप ग्रस्त हो जाएगा और नरक में जाएगा। तुम तो महा अपराधी हो, तुमने लाखों लोगों का खून पी लिया है और एक राज के सुख को भोग रहे हो, तुम सुख की आशा भी करते हो। और यदि मुझे बुलाना है तो जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे वहां भोजन प्राप्त करने आऊं, नहीं तो तुम्हारे जो अन्न को भी खाएगा वो भी पाप का भागी हो जाएगा। तुमने तो जुल्म कर दिया। और तुम कितने दिन रहोगे इस गद्दी पर? तुमने यहां भी नरक इकट्ठा कर लिया और सीधे नरक जाओगे। पुण्यात्माओं, राजा के अंदर एक नारा अभिमान होता है, वो इस तरह के शब्द नहीं सुन सकता। और भीमसेन वैसे भी पहलवान। अब भीम ने कहा कि बाबा जी गढ़ा मत बोले, ना तेरी थोबड़ी तोड़ दूंगा। मुझे अपने भाई युधिष्ठिर से और श्री कृष्ण जी से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ना तुझे अभी भेज देता स्वर्ग। आना हो तो आना, ना मत आना, बकवाद मत कर। यानी बहुत से अपशब्द कहकर भीमसेन पहलवान आ गया। और वहां पर यज्ञ शुरू होगी, भंडारा शुरू कर दिया,
सबने भोजन पा लिया, शंख बजा नहीं। अब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच हमने तो घोर अत्याचार कर रखा है, हमारा शंख नहीं बज सकता, पाप नाश नहीं हो सकते, ये ताप नहीं कट सकते। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई कटे तगे पर इन कटनिया ना आ रहा, इनको काटने वाला आया नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा कि भाई एक सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं बनारस में, क्या उसको आमंत्रित नहीं किया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि उस अक्षेत्र की सेवा जो दे रखी थी भीमसेन के पास थी, भीमसेन को बुलाया कि भगवान कह रहे हैं कि वहां एक सुदर्शन नाम के महात्मा थे वाल्मीकि जाति में, क्या आपने उनको आमंत्रित नहीं किया? भीमसेन ने कहा, जी आमंत्रित तो किया था, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत गुंडा बोल रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या बात कही, कैसे बोला? वो सारी कहानी जो बताई थी वो सारी बता दी कि न्यूर न्यू बोला, तुम तो अपराधी हो, तुमने बहुत बुरा वो कर रखा, तुम्हारा तो नाश होगा, तुम्हारे अन्न को खाऊंगा, तो मुझे 100 यज्ञ का फल पहले दे। बहुत गलत गलत बातें कही भगवान उसने तो, और मना कर दिया। अंत श्री कृष्ण जी ने बेरा था कि वो भी पहलवान है, पता नहीं कि बक काया होगा, कि आप जी ने क्या कहा सच बताना। तो भीमसेन कहने लगा, जी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसको कह दिया, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, घना बोल जाता है, आना होता जी ये ना तो बताइए ना, मैंने अपने भगवान से और भाई से थोड़ा डर लगता ना, तुझे अभी यमलोक पहुंचा देता। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, नालायक तन तो जुल्म कर दिया, साधु संत भक्तों को ऐसे बोलना भी पाप होता है, तो ये और आत्मा दुखा का आ गया उसके महापुरुष की, तेरा फर्ज बने था वो कहता कि सुनकर आ जाता फिर हमें बताता कि ये समस्या है। अब भीमसेन ने सोची थी हमारे साथ श्री कृष्ण जी रहे, ये तो कला तोड़ देंगे, आपको कर देंगे सारा कुछ। अब वहां श्री कृष्ण की भी पोल खुल गई, श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, चलो एक वो ही संत है, अगर वो आकर आहार करेगा तो ये 3 ताप नाश हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अमरता क्या नहीं करता, लाखों रुपये लग गए आज के, अरबों खरबों आज वर्तमान के पैसे, अरबात ज्यो की त्यों, आप पसीने आ गए उस पहलवान के। और फिर ये बता गया था कि युधिष्ठिर के बाद तुम्हारा नंबर आओगा, क्यों तुम नबी के घाट गाद रखी है, तुम नबी कसर नहीं छोड़ रखी, तो सारे कांप गए, पांचों के पांचों तैयार हो लिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरे साथ चलो, ना करकड़ो उस महापुरुष के सामने और लाओ जैसे तैसे करके उसको, वो प्रसन्न होकर यहाँ पर आहार करेगा तो लाभ मिलेगा, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म का साधक है, वो परम अक्षर ब्रह्म का पुजारी है, जिससे पाप नाश हो सकते हैं। अब वहां से रथ में बैठ के और चले बनारस को दिल्ली से, और पहुंच गए वहां पर, उधर से श्री वो सुदर्शन जी पहुंचे करुणामय जी के पास के, महाराज जी ऐसे ऐसे राजा का भाई आया था युधिष्ठिर का, सारी वार्ता सुना दी। परमात्मा ने कहा, भाई वहां कुछ ना हो, वैसे सुख वह सारे नकली टोल इकट्ठा हो रहा है, वो देवता ऋषि उनके पास सत भक्ति नहीं है, और वो शंख बजे को ना उनते हैं सुदर्शन, फिर तेरे चरण पकड़ ना होंगे और हमारे बिना वो बात बने कोई ना उनकी। अब सुदर्शन जी ने सोचा, वह फिर सर में दर्द करेंगे वापस, तो गुरु जी कह रहे हैं आना पड़ेगा उनको, वो फिर सर में दर्द करेंगे और ये पाप का भोजन मैंने खाना पड़ेगा, वो तो खिसक गया, हफ्ते 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना गया, कितना दूर चला गया। अब कहते हैं अपने अमरा भक्त पिछोड़ी होई तो मारा नाम न लेवे कोई। अब वो परमात्मा कबीर देव कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म जो करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन अपने भगत का रूप बना के और सुदर्शन की कुटिया में बैठ गया जाके। अब श्री कृष्ण जी 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया,
अगर वरना अगर रोकांगे तो साधु संत नो ना सोच ले तभी मान में आए हैं। एक कॉमन सेंस होती है एक अच्छी आत्माओं में, अपने आप नेचुरल होता है उसका पिछले संस्कारों से। तो श्री कृष्ण जी ने एक योजन दूर, आज की तो एक योजन होता था चार कोस का, और एक कोस अलग तीन किलोमीटर की, यानी 12 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, वहीं खड़ा कर दिया और रथ पीछे पीछे चल पड़ा खाली, और घोड़े पकड़ लिए और पैदल चल पड़े और परमात्मा के दरबार में आके ही सामने ही श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया। अब श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया साथ में वो तो फिर वो दुखी थे, उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया पांचों पांडव। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये पांडव हैं, युधिष्ठिर जी आए हैं, राजा आपसे प्रार्थना करने आए हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, आपको आमंत्रित करने आए हैं, न्योता देने आए हैं, आप चलिएगा। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत को, कबीर जी तो वो अंतर्यामी है, प्रभु जानगे कि यू है भीम, सबको वो तो चीटी से लेकर सबका अकाउंट रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो टर्म एंड कंडीशन पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो तब मैं चलूं। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रभु आप ही की वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने ये वाणी एज इट इज उच्चारित कर रखी है। संत मिलन को चा लिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओए यज्ञ समान है। आप तो अंतर्यामी हैं, ये पांचों पांडव ये राजा हैं, और इस दास को तो आप समझते ही हो, किसी में भी हमें हमारे अंदर आज अभिमान नहीं है, क्योंकि इनका काम अड़ा पड़ा है, आज ये महादुखी हैं, इनके अंतःकरण में आज कति भी नम्रता है। और परमात्मा उसी को लाभ देते हैं जो अधीन होते हैं, अति अधीन दीन हो प्राणी जा को कहना अकत कहानी। कहते हैं दासातन अनसा को खेऊं, राज पाठ वैकुंठा देऊं, विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया विश्व विसा, ताको लंग दी बख्शीसा। यानी अधीन व्यक्ति विनम्र भक्ति में रहता है उसी को लाभ मिलता है। तो परमात्मा ने लाभ तो देना था लेकिन उनकी मरोड़ काटनी थी, वो बल निकालना था ताकि ये भगत बन जाए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा प्रभु आप ही की वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। अब वहां से चलकर यहां तक हम आए हैं, जितने भी कदम हमारे बने मालिक आपके आदेश अनुसार वो एक यज्ञ के तुल्य हो गए, उनमें से 100 आप ले लीजिए, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दीजिए। कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, तो परमात्मा ने कहा ठीक है वे चलते हैं। मत ये देखना चाहूं था कि ये सीधे हो जा, ये उड़ा चौधरी पा के रहे हो फिर लाभ नहीं दे सकते हम। तो उस समय परमात्मा ने फड़क निकालनी थी, और साथ में ये भी जचाना था, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे धर्म दासियां गणा अंधेरा, और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। अब धर्मदास जी कहते थे जी आपके नाम लेते ही बड़ा सुख हो जाता है, और आप ये भी कहते हो कि संत चमत्कार नहीं करते, भगवान आपका तो नाम उपदेश लेते ही चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तो परमेश्वर कहा करते थे कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, वो लफंड आदमी है, जा तेरे घर में न्यू हो जाएगा, जा तेरा न्यू कर वो हो जाएगा, ऐसे बकवास करता कहता वो संत नहीं। और वो भी संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो, क्या कहते हैं धर्मदासियां गणा अंधेरा, काल में अज्ञान का ढेर ला रखा है, और बिन चमत्कार युक्त जीव काल का चेहरा, यदि मैं इनको सुख ना दूं तो ये काल के जाल से निकले को नहीं, उसके ही जाल में फंसे रहे, उसी के गुलाम बने रहे। तो इसलिए परमात्मा ने उनके हृदय में, उन पांडवों के हृदय में ये तसल्ली देनी थी कि युग शक्तिशाली है, ताकि उनका दिल डट जाए, क्योंकि वो घने घबरा रहे थे उस टाइम, बेइज्जती हो रही, अरबों रुपये लाए गैर काम ज्यों का तो बिगड़ा पड़ा,
रुद्र से भीम की पहलवानी फड़क निकालनी थी। परमात्मा ने कहा कि भाई पहलवान या मेरी सुमरणी तारी माला टांग रखी थी खुट्टी पे और आप बैठे थे उस पर चार पाई पे नीचे और वो भीम गया उस माला ने उतारने के लिए वह माला ना उतरी चिपक गया जैसे बिजली पकड़ दिया करे चुंबक की तरह चिपक गया और खूब नो आंगो लोवे पसीने आ रहे। तो परमात्मा कहने लगे रे तू नो कह था उस दिन जब पहली बार आया ना फर्स्ट उसमें ट्रेन में वो क्या कह रहा था सुदर्शन जी को कहने लगे राजवीना प्राप्त किया हमने अपनी ताकत से प्राप्त किया है एक का मारू था गदा 20 मरे थे हैं आना होता जी नाना तुम्हें चाहिए। तो परमात्मा ने कहा रहा तू नो कह था मैं इतना बलशाली हूँ एक का मारू था 5 मरे थे 20 मरे थे तेरे पिया 100 ग्राम की माला ना उतरती पहलवान क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के सामने ये शारीरिक बल तो कुछ भी को ना। पसीना आ गया दूर खड़ा हो गया एकदम उसका हो गया कि तो भाई कसूता काम या वो तो पाड़ नठाले ऐसा बली आदमी था। तो परमात्मा ने ऐसे किया था वो अपने आप माला खुट्टी से उतर कर परमात्मा के हाथ में आ गई। अब उनका न्यू तो जचगी भाई संत तो है पक्का यानी कति शक्तिशाली है चमत्कारी है और बात बनेगी। उनका दिल सा डटना था परमात्मा उधर से उसकी फड़क निकालनी थी भीम की था पहलवान है तू। अब बताते हैं कि जिस दिन वो भीम वहां पहली बार गया था एक तालाब था पहले में जंगल थे जगह जगह कितने जोड़गा वर्षा पानी इकट्ठा हो गया खड्डे में तालाब बहुत सुंदर पानी भरा रहता था क्योंकि आसपास घास होता था रेत मिट्टी इतनी होती नहीं थी। उस तालाब में स्नान किया था भीम ने और इतना गहरा था कि उसने छलांग लगाई तो उसके पैर ना टक्के इतना गहरा था वो। तो परमात्मा ने कहा कि भीम तू अपने आप को बलशाली बतावा था ताकतवर कहे है जिस तालाब में तू पहली बार आज जब स्नान करके आया था और तेरे पैर भी ना टक्के थे वो बताऊ क्या वस्तु है। ये जो कुंभकर्ण था ना रावण का भाई उसकी खोपड़ी है ये खोपड़ी ये शरीर का इस सिर का इतना कटोरा हनारा उतर जाता है यहां से अलग से इसका जोड़ सा और वो उल्टा कर दे तो कटोरा बन जाता है। कहते यो उस कुंभकर्ण का खोपड़ा था ऊपर की खोपड़ी यो कटोरा सा इतना बड़ा तालाब जिसमें तेरे पैर भी ना टिके ये तो उस ताकतवर का यानी इतना ताकतवर था इतना बड़ा शरीर और विशाल काय था वो तो उसके खोपड़ी में तेरे पैर नहीं टिके तू इसमें अंडी पाक रहा है। तब भीम का पसीने आ गए सचमुच और भाई सचमुच ना हमने झूठ बोल के कह लेना। तो पुण्यात्माओं सतयुग में बहुत विशाल काय होते थे घने लंबे लंबे 100-100 फुट 80-80 फुट की ऊंचाई के जो है ना शरीर इतने बलशाली होते थे। त्रेता में थोड़ा सा कम हो गया द्वापर में फिर कम हो गया कलयुग में और भी कम हाइट होती इसलिए आई। आज से 50 वर्ष पहले जब हम देखा करते थे हमारे दादे और दादा के लव 70 के एज के और बूढ़े विषय तगड़े तगड़े नो लंबे लंबे कोती नो पहलवान से बूढ़े हो रहे थे तो विषय तगड़े तगड़े मोटे मोटे हड्डा के दीखा करते थे और अब देख ले प्यो दसी होगी सारी कितने छोटे छोटे हो गए 20-30 साल में पता लगा 50 साल में इतना अंतर हो गया। इसी एवरेज से अगर हम ऊपर जाएं तो बहुत लंबे लंबे होते थे। कहने का भाव ये है कि उस भीम की सारी फड़क काट कर जो उसमें अहम था वो सारा मवाद निकाल कर जो परमात्मा लेकर चले चल बेटा तेरे काम भी सारूंगा। अब वहां पर बैठे 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 9 नाथ ये 84 सद और वही 56 करोड़ यादव और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के गुप्त रूप में वहां आहार करके चले गए थे शंख नहीं बजा था। और परमात्मा की कैसी वेशभूषा थी जैसे एक गरीब सा व्यक्ति हो ग्रामीण आज से 50 वर्ष पहले वाला
लांडी सी धोती, बाल सिर के उलझ पुलज, दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, छोटी छोटी छोटी, और मैले कुचैले कपड़े, पैरों में टूटी सी जूते, और आके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो सभी ऋषि वह ऋषि मुंह पैसे लगा के अपने कपड़े और अंदर अंदर हंस रहे हैं, देखो ये लाए हैं शेर ढूंढ गए, ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, इनके पाप ही घने हैं। वो ऋषि महर्षि देवता अभिमान वश कह रहे हैं कि भी इन पाप घने कर रखे हैं, इनका पाप ऐसे ही थोड़ा छूट जाएगा तो भोगने से ही कटेगा। तुमने पता था ये क्या उद्देश्य से कर रखा, फिर तुम आए किस लिए थे, पता सबको था, लेकिन लास्ट में इनकी एक छुरी हो सके भी प्रारब्ध में कष्ट है या तीन ताप है, इनके तीन ताप के दुख तो इनको भोगना ही पड़ेगा। अब सभी महसूस कर रहे हैं कि इसका भी देख लेते हैं रिजल्ट। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा यह काम पूरा होगा, तुम्हारा कार्य संपूर्ण होगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब ऐसे व्यक्ति के लिए तो दिलोजान से भोजन बनाना था, द्रौपदी ने नौकरों की सहायता नहीं ली, नौकरानियों की सहायता नहीं ली, स्वयं भोजन बनाया अपने हाथ से, और सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, अलग अलग न्यारे न्यारे जैसे खीर न्यारा अलग से बनाई है, अलुआ अलग से, सब्जी कई प्रकार की, माल पूड़े और कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े सब कुछ तैयार कर दिया। एक पहले लकड़ियों से चूल्हे चला करते थे और करके तैयार महात्मा के लिए वो भोजन परोस दिया सुदर्शन जी के, क्योंकि सुदर्शन जी रूप में थे परमात्मा। अब द्रौपदी ने यह सोचा था कि इतना स्वादिष्ट भोजन बना दिया है, ये घास फूस तोड़कर खानी आदमी आज इस खा के इस स्वादिष्ट भोजन को उंगली चाटता रह जाएगा और कई जगह मेरी प्रशंसा करेगा कि भोजन तो द्रौपदी ने बनाया, ऐसा कोई नहीं बना सका। इस उद्देश्य से वैसे भी जैसे कोई अतिथि आ जाता है, हमारी बहन बेटियां माताएं, उनका एक स्वाभाविक एक ऐसा विचार बन जाता है कि बढ़िया भोजन बनावा, कहीं कोई कमी ना रह जाए आहार में, और ये व्यक्ति अतिथि कहीं जाकर यूं ना कह दे कि उस बहन ने ऐसे ऐसे भोजन बनाया था या कमी थी, बढ़िया भोजन ना बनाना आया। इस दृष्टिकोण से एक विशेष जो है श्रद्धा से भोजन बनाते हैं, और खाना खाने वाले से उम्मीद रखती है वो बहन कि सरावा नहीं तो बिसरावा बिल्कुल नहीं, मान ले उसकी प्रशंसा ना भी कर सके और कोई नू कह दे नमक कोई ना समझता है तो उस बहन की आत्मा दुख बहुत पाती है, अक देख गलती बन गई तेरे तय और यू पता नहीं कित कित के केक होगा। तो इस दृष्टिकोण से वो बहुत सावधानी से आहार बनाती है, तो इसी दृष्टिकोण से द्रौपदी ने बनाई थी, देख महाराज जी खाएंगे और 20 बहनों कहेंगे आहा वाह भाई स्वादिष्ट वे कमाल कर दिया। अब उधर से क्या किया परमेश्वर ने यानी सुदर्शन जी ने, उन जो अलग अलग कटोरियों में डाल रखा था उसको थाली में थोड़ा थोड़ा जितना खाना था उनमें से थाली में डाल लिया सारा, और उसको ऐसे मिला लिया, अलवा भी खीर भी सब्जी भी दही भी बड़े भी सारा कुछ करे नो लागे इकट्ठा कर। अब द्रौपदी ने सोचा थी नारे नारे आइटम खावागा नारे नारे प्रशंसा करेगा। अब द्रौपदी के मन में दोष आ गया कि रहा ये सूदर का सूदर, इसने खान का भी ना पता है, कर दिया डंगा सारे बनाए बनाए माल का है, किसका काहे का शंख बजाएगा ये, यू मन बड़ा उस्ताद एक मिनट में पता नहीं किक के बाद काम बिगाड़ दिया एक सेकंड में, क्यों क्योंकि सोचगी मन में 100 दोष आ गए। वो तो अंतर्यामी बैठे थे सामने, उन्होंने ये भी दिखाना था कि तेन सोचो नरा बाबा जी कति खाली न जैसा समझा और खोख्या जैसा ये बैठे यहां पर 33 करोड़ देवता 88 हजार थी, वो भी उनका दत्ताणी थी, परमात्मा ने एक ग्रास खाया वो शंख ने आवाज करी
दूसरा खाया, शंख ने आवाज की, पांच बार में जितना आहार थाली में डाला था कबीर परमेश्वर ने अर्थात सुदर्शन रूप में बैठे भगवान ने वो पांच बार में सारा खा लिया और पांच ही बार शंख बजा। फिर शंख ने आगे आवाज नहीं करी। अब वहां उपस्थित जनों के ये तो आंखें खुल गई के है कोई शक्ति। युधिष्ठिर आया के भगवान आपकी कृपा से हो गया काम, होगी दया आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, ये शंख भाई अखंड बजना चाहिए था, बहुत देर तक इसकी तो स्वर्ग तक आवाज जाएगी, ये पूरा काम बना नहीं, कार्य सिद्धि नहीं हुई। तब युधिष्ठिर पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान अब किसको बुला के लाना है। श्री कृष्ण कहने लगे कि नहीं, अब ये आखिरी लास्ट आ लिया भाई, ये क्या सुपच सुपच उस समय जैसे आजकल हरिजन कहते हैं ना, या शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उस समय सुपच कहा करते थे शेड्यूल कास्ट वालों को। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुपच दिखाई दे है सुदर्शन जी, इसके एक बाल के समान भी ये तीन लोग ने, इतनी शक्ति भक्ति की इसके अंदर है। अब वो तो श्री कृष्ण तो उसकी ताक शक्ति तोड़ रहा था और ये पहचान नहीं पाया कि ये पूर्ण परमात्मा, लेकिन शक्ति के आधार से ये सोच रहा था कि परम शक्ति युक्त है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर शंख ना बजाइए, कोई अपने घर में दोष है, किसी ने संत के प्रति कोई ऊंच नीच सोचा है जिस कारण से शंख बजा नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बहन इधर आ, कहा जी कि बहन सच्ची बात बताना, जब महात्मा जी भोजन खा रहे थे श्री कृष्ण भी देख रहे थे और साधु कैसे खावा खान दो, तुमने अपने हिसाब से दे दिया सो दे दिया। तो उसने क्या किया, द्रौपदी से पूछा कि तेरे मन में कुछ दोष आया, तेने क्या सोचा जब यो महाराज भोजन खावे थे, सच्ची बता दिया नहीं तो ये काम बिगड़ गया तुम्हारा। अब सच्ची बताऊंगी जी, जब ये मैंने दो घंटे तक ताक फटवाई धूमे में, अलग अलग आइटम बनाए, मैंने सोचा ये था कि महात्मा भोजन खाओगा आंगली चाटता रह जाओगा और मेरे सौ जगह गुण गाओगा, और इसने जब देखा सारी या मिला दिया कट्ठा खिचड़ी बना दी, मेरे मन में दोष आ गया कि काहे का संत है ये, रहा सुदर का सुदर, इसने खान का भी ना बेरा, ये कितके शंख बजाओगा, इसे अच्छा जो मन पता होता तो मैं सीधा दलिया बना देती इसकी खातर। तो ऐसे ऐसे मन में दोष आ गए। तो श्री कृष्ण कहने लगे नालायक तेने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तंत्रयामी है, अरे तुझे सीधा करना चाहते ना शंख तो वो भी बजा दे, खान की जरूरत ना थी, पर नालायक तेने तो जुलम कर दिया, अब माफी मांगिन ते और इनके चरणा की धूल, ये चरण दो का पी धूल समेत, एक संत के बारे में इतना दोष ले लिया, तू क्या भोजन खिला दे किसी महापुरुष को, असंग ब्रह्मांड का दाता है ये, और तू इसने एक दिन के आहार का भोजन करा के तूने मोल ले लिया इसको, तूने खाना बना दिया, खाने दे कैसे खावा ये, बहुत गलती करी तूने। हकान जी बहुत गलत बन गया, बहुत गलत सोचा मैंने, द्रौपदी भी पुण्यात्मा थी, तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम भयंकर भूल बनी। उसी समय लाई एक पात्र उठाकर तसला या बाल जैसा भी प्रात, और श्री उस सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु के चरण धोए धूल समेत और गाल का लोटे में पीने लगी, आधा पी लिया, जब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, तो आधा श्री कृष्ण जी ने आधा पिया द्रौपदी ने, और फिर वो शंख परमात्मा ने संकेत कर दिया, इतना जोर की आवाज गई पूरे स्वर्ग तक आवाज गई। उसी समय एकदम वातावरण बदल गया, सब पौधे जो थे वो फलों से पत्तों से हरे भरे हो गए, जैसे बसंत ऋतु जैसा मौसम हो गया, फलों से लदपथ हो गए, फूलों वाले फूलों से लदपथ हो गए, और स्वर्ग तक आवाज गई, सबकी आत्मा में शांति उत्पन्न होगी। तब उन पांडवों के वो तीन ताप कटे, ओए होए,
तुम कौन राम का जपते जापम तात कट नाते नो तापम। ये तीन ताप का दुख भी कष्ट, यानी जैसे प्रेत बाधाए हैं, हमने देखा कोई कह दी मैं तो 20 साल 30 साल आसर जा लिया, 6 वर्ष वहां पता नहीं कहां बताए, वहां धक्के खा लिए, झाड़े लुआ लिए, अर्जों के चू, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ हम ना झाड़ा जानते ना कोई झाड़ा लगाते, सिर्फ एक भगवान की वो मंत्र देते हैं, वो भगवान की भक्ति एक ऐसा है जैसे ऑल आउट लगा दे कमरे में, मच्छर सारे बार भाग जाते हैं। तो ऐसे इस मंत्र की शक्ति से, इससे हमारा जो भक्ति करने का उद्देश्य तो है मोक्ष प्राप्ति, और ये इससे ऑटोमेटिकली संकट सब बाधाएं दूर होने लग जाएंगी, इसमें ये एक गुण है इस भक्ति में। और फिर कोई भी जंतर मंत्र करके दिखा दियो हमारे भगत का ऊपर। एक भगत कह रहा था जी हम हमारे ऊपर किसी ने घाल डाल दी, ऊपर से एक आती है ऐसे दीपक सा चस्ता हुआ, और ये सिद्धि से चल पड़ती है ऐसे, और हम आरती की तैयारी कर रहे थे ऊपर चौबारे में, आगे आंगन था, आगे गली थी, तो गली आंगन के गली के ऊपर मंडेरे के ऊपर आकर आवाज आई बाहर आंगन गली के ऊपर, और बीच में आंगन था, आगे चौबारे में हम आरती की तैयारी कर रहे थे, हम सभी बैठे भगत बच्चे छोटे छोटे वो भी नाम लिए हुए थे, और पहले वो प्रेत बाधाओं से बाधित थे, नाम लेने से स्वस्थ हो गए थे, ठीक हो गए थे, 5-6 महीने उन्होंने नाम लिए हो गए थे। तो किसी ने फिर से वो जंतर मंतर करके देखा, और वहां ऐसी आवाज आई जैसे मुझे बुलाया, मैं एकदम बाहर चौखट पर आया तो सामने मैंने एक दीपक सा सस्ता हुआ नजर आया, शाम के 7:30 बजे 8 बजे यानी सूर्य अस्त हो चुका था, और एकदम मैंने मालिक का को याद किया तो वो एकदम वापस वहां से चला गया, और उधर अंदर आकर देखा बच्चों के थोड़ा थोड़ा ऐसा अफेक्ट सा हुआ, एकदम जैसे हबक सी आई, फिर हमने आरती शुरू कर दी, हम तुरंत ठीक हो गए। कोई भी हमारे ऊपर, वो पहले तो बहुत बुरा हाल था हमारा, हम फिर डर गए थे कि आज फिर बात बिगड़ेगी, लेकिन वो चारा चला नहीं। तो परमात्मा कहते हैं हमारे भक्त के ऊपर फिर कोई करके दिखा दियो जंतर मंत्र, और हम नहीं जानते किसी का करना। जैसे कई भक्त कहते हैं कि जी हमारे जो चाचे ताऊ हैं वो हमसे झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं कि तुमने हमारे ऊपर कुछ जादू टूना करा दिया, तुम जहां जिस गुरु के पास जाते हो उनसे तुमने हमारे करवा दिया, वो सारे भूत हमारा आगे अपने आत्मा, वो हमारा परमात्मा कबीर जी की साधना भक्ति प्रारंभ कर देने से वहां तक ऑल आउट लग गई, तो फिर वो दूसरे आए कर जाएंगे। हम नहीं करते किसी के कुछ, अपना अवस्था जरूर करते हैं कि हमारे नारे निकम्मे। तो इसलिए कहते हैं वो हमारे साथ लड़े हैं कि वो सारे भूत मारा आगे, तो भाई उनसे भी कह दो वो भी ऑल आउट ले जाए यहां से, आप चल जाएंगे कितने। तो परमात्मा कहते हैं देवी देव ठाढे बहे, कबीर जी कहते हैं मेरे पास आका हाथ जोड़कर खड़े हो जाते ये देवी देवता, ये भूत पितर सारे, और कहते हैं भगवान जो आपकी भक्ति करते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमको ठोर बताओ हम कहां जाएं। परमात्मा कहते हैं जो मुझे पूजा नहीं उनको लूटो खाओ। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं देवी देव ठाढे भय हमको छोड़ बताओ, परमात्मा कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, उन पर कटवाओ श्राद्ध कनागत और 500 लत्ते धरवाओ उन पर, लेकिन हमारे भगत के निकट मत आना, चले जाओ यहां से। अब आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से, कितनी प्यारी वाणी है ये परमात्मा की। यज्ञ का प्रकरण आपको अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से भी एक बार पुनर्रिवाइज करते हैं। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। अब जब श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव
परमात्मा के पास पहुंचे, सुदर्शन जी तो चले गए थे, सुदर्शन रूप धार के उनके घर पे परमात्मा कबीर परमेश्वर जी विराजमान थे। गरीबदास महाराज जी प्रमाण दे रहे हैं कि क्या चित्रण हुआ था, कैसी लीला हुई थी। पांचों पांडव संग हैं और छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सृजनहार। अब श्री कृष्ण जी जाकर कहते हैं उस परमेश्वर को कि हमारी यज्ञ में चलिए हे समर्थ सृजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। अब क्या बताते हैं कि पांडवों के निमंत्रण स्वीकार करके फिर परमात्मा कबीर जी यानी सुदर्शन रूप में और वो छठा भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव फिर वापस आए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, यानी वाल्मीकि वो सुदर्शन जो थे वो वाल्मीकि जाति से थे और सुदर्शन जैसे हरिजन बोलते हैं से वो सुदर्शन उनका नाम था, सुपच कहा करते थे उनको, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कह देते हैं। तो श्री परमात्मा और वैसे करुणा में नाम से जो परमात्मा प्रकट थे उसमें शिशु रूप धारण करके वो आए थे, तो उसमें भी एक निसंतान वाल्मीकि ने उन्होंने परमात्मा को उस बालक रूप में प्रकट परमेश्वर को अपने पास रखा था, पुत्रवत पालन की लीला की थी। तो इसलिए करुणा में जी भी उसमें जैसे वाल्मीकि कहलाते थे, जैसे अब कबीर रूप में आए जब वो जुलाहा कहलाते थे तो वो स्वयं भी वाल्मीकि कहलाते थे और उनका जो शिष्य था सुदर्शन वो भी वाल्मीकि ही जाति से था। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, शंख पचायण बाजिया राख्या नहीं संधे, सुपच रूप धर आईया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी व सुर नर मुनि जन भीड़े। कहते हो तीन लोक की फौज बैठी थी, 33 करोड़ देवता थे, सिरदार ऋषि और 56 करोड़ रिश्तेदार थे, और बांडवा के यादव वह सारे चूल्हा नौता रहे थे और वो भी अपने आप में बड़े भगत को आया करते थे। अब क्या बताते हैं, सुपच रूप धर आईया सतगुरु पुरुष कबीर। अब देखो गरीबदास साहिब जी ने कितनी महिमा एक ही सेंटेंस में कही है, सतगुरु पुरुष कबीर। सतगुरु माने वो जगत गुरु तत्व ज्ञान देने के उद्देश्य से, और पुरुष माने परमेश्वर, और कबीर मीन कबीर जो वर्तमान वाले कबीर ही उस समय सुपच नाम से आए हुए थे, जो अब कलयुग में जो कबीर जी आए हैं। सुपच रूप धर आई आए सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की वह फौज मेदनी और सुर नर मुनि जन भीड़, वह पूरा कठकट्ठा हो रहा था, भीड़ लग रही थी। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वो आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में फिर खलहल पड़ा कमाल, सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही संक। अब द्रौपदी के मन का दोष देखकर परमात्मा ने देख लिया कि इसने करूंगा ठीक से। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही संक, 56 भोग संयोग कर कीने पंच ग्रास, द्रौपदी के दिल दुई है ना ही दृढ़ विश्वास, पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है नो कण कण बजा नाही, स्वर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, सुपद जग में आईया नित बेचत है सूप,
कहते हैं सुर नर मुनि जन यज्ञ में वो त्रिलोकी के भूप, ये तीन लोक के स्वामी श्री कृष्ण जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये तीन लोक के स्वामी भी वहां आए थे। इन तभी शंख बजा नहीं। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था और सारे देवताओं ने भोजन खा लिया था, ऋषियों ने, महर्षियों ने, फिर भी शंख ना बजा, तो श्री कृष्ण जी की भक्ति कहां थी? वो कितने ताकतवर थे ये भी अंडरस्टूड हो गया। अब ये श्री कृष्ण भगत कहा करते कि भगवान तो भगत की महिमा बनाओ था। अरे वो सारे भक्त आ रहे थे, देवता जितने थे वो भगत नहीं थे क्या? और वो सही भगत था कैख का बेरा कोई नहीं, वो तो परम अक्षर ब्रह्म का भगत था। और वैसे कहा जाए तो स्वयं परमात्मा उसी भगत की इज्जत रखने के लिए, महिमा बनाने के लिए स्वयं आए थे मालिक, कि भक्ति की टेक बनी रहे, भगत नास्तिक ना हो जा, नहीं तो नास्तिक होने का काम हो गया था। छप्पन भोग न भोगिया किन्ने पंच ग्रास, खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी श्वास, सांस व सांस मारे थी, सांस गाल रही थी, क्या कहा इसने, सूदर का सूदर रहा, इसने भोजन भी ना खाना आता, इस तरह वो कर रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। अब श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ये शंख क्यों नहीं बजा, तो क्या बताते हैं श्री कृष्ण जी के द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बल काट है, इसका बल निकाल रहे हैं, इसमें जो मरोड़ है वह ठीक कर रहे हैं, इसके अहम को समाप्त कर रहे हैं ताकि ये कृपा पात्र बन सके भगवान के राहत पाने की, भगवान से लाभ पाने की। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंके। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये जान राय जगदीश गुरु कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत करके कह रहे हैं, ये द्रौपदी के मन का बल काट है, इसके अंदर जो मरोड़ है उसने ठीक करें, इसलिए ना बजाए न संख्यो, मतलब अखंड नहीं बजा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लोला, बाल्मीक के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए, चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होवे तेरे जले सकल अपराध, चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होवे है जरे सकल अपराध, करी कृष्ण भगवान को चरणामृतो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत, द्वादश कोट पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। ओह, उस यज्ञ के अंदर कौन कौन थे? द्वादश कोट पंडित जहां, 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों को कंठस्थ याद किए हुए थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और चरण लिए जगदीश को, यानी कृष्ण समझो चाहे विष्णु जी कहो, कृष्ण जी की उपस्थिति विष्णु जी की ही उपस्थिति मानी जा रही थी। और कहते हो श्री कृष्ण जिसने शेष नाग भी उसका जाप करे, उस विष्णु ने भी उस सुदर्शन जी के चरण लिए। द्वादश कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष, बाल्मीक के बाल समय नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पंडों पाई पोख। बाल्मीक बैकुंठ पर सुरग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व ऋषि मात, या वहां पर सभी ऋषि गण गंधर्व सब फेल हो गए, वो सब मात खा गए, उनकी भक्ति ठीक नहीं थी। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर,
द्वादश कोट पंडित जहां पड़ी सभन की मेर, मेर माने वो चौद्रपा कृति सारे की वहां बिरनवट्टी होगी, उनकी सिट्टी फिट्टी गुम होगी। जब उस एक गरीब से व्यक्ति ने, यानी जिसको सुपच कहे थे, उसने शंख बजा दिया, कहते सबकी वहां मरोड़ ठीक होगी, वो एम ठीक हो गया। स्वर्ग लोक के देवता किनेन पूरा नाद, किसी से शंख नहीं बजा। सुपत सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाद, पंडित द्वादश कोट थे सहदेव से सुरबीन, शेष 88 देव में है कोये न पद में लीन। पुणात्मा ये 600 वर्ष पहले, यानी 250 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी जो परमेश्वर गरीबदास जी को आकर मिले थे परमेश्वर, तो गरीबदास जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद और गॉड गिवन ज्ञान, ये नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, कबीर परमात्मा जी ने गरीबदास जी के हृदय में ये तत्व ज्ञान और पिछला जो भी यथार्थ चित्रण था वो उनको फीड कर दिया और उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी। उस खुली दिव्य दृष्टि से जिसका ज्ञान योग खुल जाता है, वो लाखों वर्ष, हजारों अरबों वर्ष पहले की एज इट इज फिल्म उसके सामने आ जाती है और वो एज इट इज चित्रण करता। जैसे त्रेता युग में जो घटना घटी थी श्री रामचंद्र जी के साथ, जो रामायण बनी थी, कलयुग में तुलसीदास जी ने उसका भी ज्ञान योग खुल गया था क्योंकि काल ने खोल दिया, रामायण लिखवानी थी तो उसने अब पिछला जो भी चित्रण हो रहा था उसके सामने चित्रित हो गया, चलचित्र की तरह चल पड़ा। श्री रामचंद्र जी का जो भी जीवन घटनाएं थी उसने यथार्थ चित्रण कर दिया, उसने लिख दिया अब तुलसीकृत रामायण में। तो इसी प्रकार गरीबदास जी का भी ज्ञान योग खोल दिया था परमात्मा ने, और ये जीव दृष्टि खुल जाती है तो उसकी रेंज होती है। एक तो दूरबीन होती है, 1 किलोमीटर तो दिखावा, अरे किसी दूरबीन देख ले ऊपर चांद और सितारे ने भी, तो ऐसे ये दिव्य दृष्टि में भी अंतर होता है। जैसे व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी संजय को, वो दिल्ली में बैठकर कुरुक्षेत्र तक देख सके था बस, और आगे कुछ ना दिखा उसने। तो ऐसे ही गरीबदास जी का जो ज्ञान योग खुल गया था, उसने असंख्यो युग पहले तक का भी ज्ञान मालिक ने उसको दे दिया और उन्होंने जो भी घटना घटी थी एज इट इज रामायण की तरह लिख दिया। वो तो रामायण श्री रामचंद्र जी की थी, ये कबीर परमेश्वर अमर कथा लिख दी, ये समझ लो अपने आत्मा। पंडित द्वादश कोट थे सहदेव से सुरबी ने, और शेष 88 देव में कोई न पद्मलीन। पद्मलीन मीन जिस किसी की भी भक्ति यथार्थ नहीं थी, किसी की भी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, किसी की भी भक्ति यानी परमात्मा की सत भक्ति नहीं थी। अपने आत्माओं, जब किसी से शंख नहीं बजा, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान इन महापुरुषों से अलग और कौन महापुरुष हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई ये महापुरुष कौन ही, ये तो पशु बैठे सारे, अगले जन्म में कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता, कोई सुअर, कोई किसी दुनिया में जाओगा। अब यह बात युधिष्ठिर के गले नहीं उतरे। अब परमात्मा ने अपनी भक्ति की टेक रखनी होती है तो वो सारे काम कराता है। अब युधिष्ठिर के गले नहीं उतरे कि ये विशेष मंडलेश्वर बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि और दुर्वासा जैसी तोब, और भी जिनकी वहां सिद्धियों से महिमा थी, अगस्त मुनि जैसे जिसने सातों समुद्र पी लिए थे। तो श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देखते रहे युधिष्ठिर के, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये पशु बनेंगे। तो श्री कृष्ण जी उनके अंतःकरण की बात को जानकर कहने लगे, युधिष्ठिर क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? अगर नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कि आपकी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन मेरी बुद्धि बालक वाली है, मेरे यह बात समझ में ना आई। अच्छा अभी आता हूँ समझ में। तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे हाथ घुमा दिया वो जितने मंडलेश्वर बैठे थे चारों तरफ पहनू, और कहा देख अब इनको। वो अलग अलग आसन लगे हुए थे उनके,
ऐसे ऊंचे दूर दूर बैठे थे, अपने चद्दर बछा गए, आसन लगा गए, पूर्व क्षेत्र में गए। तो युधिष्ठिर ने क्या देखा कि कोई तो उसी आसन पर गदा बना खड़ा है, कोई सर्प बनकर नूब जीभ निकाल रहा है, कोई हाथी बन रहा है, कोई शेर बनकर धाड़ रहा है, थोड़ा बुरा हाल हो गया। पसीने आगे युधिष्ठिर गए तो श्री कृष्ण जी से कहा, युधिष्ठिर ने, भगवान इस लीला को बंद करो, मैं नहीं देख पा रहा है इनकी ये बुरी हालत, कोई सूअर बन रहा है, कोई कुत्ता बनकर भौंक रहा है। श्री कृष्ण जी ने फिर वापस ऐसे कर दिया, वो एज इट इज बैठे हैं सारे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर यह लीला नहीं, ये सच्चाई है इनकी, ये मान बड़ाई के भूखे हैं, सिद्धि प्राप्त करके एक दूसरे पर प्रभु पाके बैठे, इनके पास सत्य भक्ति नहीं है। अपनात्मा कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी, ये सब काल के जाल में है, काल के ही डोर से बंधे हुए हैं, इनकी सदभक्ति नहीं है। और काल की डोरी कौन सी है, ये अरहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अपनात्मा ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सब लेखा। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये सुर नर मुनिजन, ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि 88,000, ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, ये 84 लाख योनियों में भटकेंगे, ये पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। लेकिन कबीर परमेश्वर की वाणी हमारे गले नहीं उतरी थी, क्योंकि हम इनको परमात्मा को अशिक्षित मानते थे। अब वही पुराण जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, आज वही बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। तो द्वापरण कितना होगा, तो सतयुग थे 40 सारी जो आध्यात्मिक मार्ग। अब दिखाते हैं देवी भागवत, देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये छठा स्कंद 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण वेद एंड गीता। व्यास जी कह रहे हैं कि राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आर्य ओड एंड आ गया सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान का, कि वो वेद ज्ञान के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। वेद में गीता बिना लिखा दुर्गा की पूजा का ना गीता, गीता चारों वेदों का सारांश है, उसमें केवल एक ओम नाम लिखा। वेदों में भी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किल्वे समर और कर्तो समर कर्तो ओह कर्तो समर किल्वे समर कर्तुम समर। अब कहते ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, और विशेष कसक के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानकर ओम नाम का जाप करो। पूरे विचारों वेदों में गीता और उपासना किसी मंत्र का, किसी देवी देवता का नामो निशान नहीं। सतिथि हरेक की बताई जाती है, लेकिन पूजा पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की भक्ति का विधि उनमें नहीं है। वेदों और गीता में संकेत दिया है, महिमा पूर्ण परमेश्वर की है और ब्रह्म तक की साधना का प्रावधान है। तो दुर्गा की पूजा का कितना नामो निशान नहीं। और ऐसे ही गीता जी में
गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट कर दिया है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामम स्मरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में कितौर साधना किसी जाप का कोई तुक नहीं है, किसी देवी देवता का या दुर्गा का कित पूजा का नामो निशान नहीं है। और ये तो है कहता मेरी साधना जो अंतिम सांस तक करता हुआ जाओगा, और उस परम अक्षर ब्रह्म जो आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में जिसके विषय में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से सुप्रीम पावर है, उसके विषय में सत्रहवें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत् सत इसी मंत्र का तीन नाम के मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, डायरेक्शन। और उसकी तीन प्रकार से सिमरण की विधि है, तिरविध है। तो इस प्रकार बताया, तो कहते हैं कि उस सतयुग के ब्राह्मण और कहे वो तो वेद के पूर्ण विद्वान थे, टट्टू विद्वान थे पूज्य माता ने, ये तो मन से विद्वान था सारे, दुर्गा कोई गुड़गांव वाली ने पूज जाए, कोई बनभोरी वाली ने पूज जाए, इसे के विद्वान थे फिर वे। अब वो वेद तो बता रहे हैं केवल एक सुप्रीम पावर है परम अक्षर ब्रह्म, एकम ब्रह्म, उसके बराबर दूसरा कोई ना हो, उसकी पूजा करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य है, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में बताया है कि जो तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, मूल कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है और पत्ते कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की रूप भूमिका करने, कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उन्होंने बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार।